पूर्णिया शहर में जितने जगह पे दुर्गा पूजा का पंडाल लगाया जाता है और जहाँ जहाँ पे ये दुर्गा माँ की मूर्ति की स्थापना की जाती है वहाँ हम लोग अभी आज दूसरा पूजा है। हम लोग हर जगह पे और जहाँ जहाँ पूजा पंडाल है वहाँ पे जाकर के उसका निरीक्षण किए हैं और देखे हैं कि जहाँ जहाँ पूजा हो रहा है वहाँ पे यदि रोड खराब है तो उस रोड को मोटरेबल कराया जा रहा है और जहाँ गड्ढा है या पानी है वहाँ का पानी निकाला जा रहा है। और भी देखे हैं कई जगहों पे जहाँ अभी हम लोग लाइन बाज़ार से मंदिर चौक के पास आए हैं तो वहाँ पे नाला पूरा जाम था, वहाँ पे नगर निगम से लेबर जेसीबी लगवा करके नाला का जो है साफ सफाई और उसका गाड़ी निकलवाने का काम कर रहे हैं। और जहाँ पे जो भी पूजा पंडाल है वहाँ पे साफ सफाई मतलब होना बहुत ज़रूरी है। और नगर विकास से एक पत्र भी आया है कि जो पूजा पंडाल है और जहाँ पे साफ सुथरा एकदम अच्छे ढंग से होगा, जहाँ पे महिला को दर्शन करने के लिए अलग लाइन होगा, पुरुष को दर्शन करने के लिए अलग लाइन की व्यवस्था या नागरिक सुरक्षा की व्यवस्था, डस्टबिन की व्यवस्था, अपशिष्ट पदार्थ हो गया उसको एक जगह रखने की व्यवस्था, तो इन तमाम तरह की जहाँ पे सुविधा उपलब्ध होगी वैसे पूजा पंडाल को नगर निगम से 10,000 रुपये का प्राइज दिया जाएगा और जो फर्स्ट करेगा, और जो सेकेंड करेगा उसको 5,000 और जो थर्ड करेगा उसको 3,000 का प्राइज नगर निगम के द्वारा दिया जाएगा। और हर पूजा पंडाल में डस्टबिन होना बहुत ज़रूरी है और हर हम लोग निर्देश भी दिए हैं कि हर जहां जहां पूजा पंडाल है वहां पे डस्टबिन लगाई जाए साफ सुथरा। फर्स्ट सेकेंड थर्ड को चिन्हित कौन करेंगे कि हाँ ये यहाँ बेहतर की तरफ से? यहाँ पे उपनगर आयुक्त बैठे हुए हैं, हम लोग हैं, सभी लोग मिल करके चिन्हित करेंगे, यहाँ के शहर के लोग हैं, जहाँ का जो अच्छा होगा पूजा पंडाल तो उसको प्राइज दिया जाएगा। शरदीय नवरात्र का शुभारंभ कल से हुआ है, इसको देखते हुए माननीय महापौर के निर्देशानुसार हम लोग शहर में माननीय महापौर भी हैं साथ में और जितेंद्र जी समाज से भी सब लोग नगर निगम की टीम के साथ में हम लोग घूम रहे हैं, प्रत्येक पूजा पंडाल का निरीक्षण कर रहे हैं। जहाँ भी सड़क मोटरेबल करने की आवश्यकता है वहाँ पर सड़क को मोटरेबल किया जा रहा है, जहाँ पे विशेष साफ सफाई करवाने की आवश्यकता है वहाँ विशेष साफ सफाई कराने का निर्देश सफाई सखा को दिया जा चुका है। और विशेष अनुरोध है पूजा पंडाल के जितने भी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, माननीय लोग हैं, उन लोगों से कि पूजा पंडाल में जो अपशिष्ट प्रबंधन हो उसमें हम लोग का सहयोग प्रदान करें। हम लोग डस्टबिन का वितरण करवाएंगे और फूल का अलग से रखने का व्यवस्था करवाया जाएगा उसका, ताकि अपशिष्ट उसका कुछ आगे बायोडिग्रेड करके कुछ बनाया जा सके। और माननीय महापौर का जो आगे निर्देश होगा लोग उसको फॉलो करेंगे, माननीय नगर आयुक्त सर का निर्देशानुसार हम लोग आगे जो भी साफ सफाई का काम होगा पूजा पंडाल में और भी जो भी व्यवस्था करना होगा उसको आगे हम लोग का जारी रहेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।